सरल भाषा में समझेंगे कि अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी को मुहूर्त के साथ कैसे जोड़ें। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, किसी भी महीने के अंदर कौन सी तारीखें हमारे लिए ठीक रहेंगी। आज हम चार डेट्स लेंगे। अगर आपका इन चार डेट्स में से किसी भी डेट पर जन्म हुआ है तो बाकी और कौन सी डेट्स होंगी जो हमारे लिए फेवरेबल रहेंगी, या एटलीस्ट कौन सी डेट्स होंगी जो हमें बिल्कुल अवॉइड कर देनी है। आइए वो चार डेट्स देखते हैं। 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख। अब आप देख लीजिए, अगर आपका इन चार में से किसी भी डेट पर जन्म हुआ है तो बेस्ट डेट्स और कौन सी रही जिसमें आप शायद अपनी कार बुक कराना चाहें, आपने कोई और शुभ कार्य करना चाहें, और कुछ नहीं तो घूमने जाना है, तो चलिए भाई इन डेट्स पे चलते हैं घूमने। वो कौन सी रहेंगी? 7 तारीख और 9 तारीख। अब सिर्फ 7 और 9 तो हो नहीं सकती, कैसे करें? 7 और 9 मैंने आपसे कहा बेस्ट रहेंगी, इन्हीं 7 और 9 में 9 9 प्लस करते जाइए। 7 में 9 प्लस करेंगे तो यानी 16 तारीख, 16 में 9 प्लस करेंगे तो यानी 25 तारीख। इसका मतलब ये डेट्स भी हमारे लिए बेस्ट है। 9 में 9 प्लस करेंगे तो कौन सी तारीख? 18 तारीख। 18 में 9 प्लस करेंगे तो 27 तारीख। कहने का मतलब 7 और 9 और इन्हीं से जुड़ी हुई बाकी तारीखें आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। अच्छा, कौन सी अवॉइड करनी है? बिल्कुल इस दिन कोशिश करें अवॉइड करने की ज्यादा रहेगा। वो कौन सी है हमारी? 5 तारीख और 8 तारीख। भूलिएगा नहीं, हम अभी उन सिर्फ 4 डेट्स की बात कर रहे हैं, 2 की, 11 की, 20 की और 29 की। इन 4 तारीखों पे जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए आज हम ये बात कर रहे हैं कि क्या शुभ रहेगा तारीखों का और क्या अशुभ रहेगा। तो कौन सी डेट्स अवॉइड करनी है? 5 तारीख और 8 तारीख। इनमें भी 9 9 जोड़ लीजिए। 5 में 9 जोड़िए 14 को भी अवॉइड कर दीजिए। 8 है 8 में 9 जोड़ लीजिए 17 अवॉइड कर दीजिए। कहने का मतलब यह रहा कि सिंपली न्यूमरोलॉजी का यूज कीजिए और इस न्यूमरोलॉजी के अनुसार अच्छे शुभ मुहूर्त का भी इस्तेमाल कीजिए और शुभ तारीखों का इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए आपको एक सामान्य ज्ञान चाहिए और कुछ भी नहीं। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको और लोगों तक भी पहुंचाइए और शेयर कीजिए, और संतुष्ट हैं तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।